हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, पर उससे पहले मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए आज का टॉपिक देखते हैं, वाइट एंड येलो वोमिटिंग्स इन योर डॉग। नॉर्मली आपके जो पेट्स होते हैं डॉग्स, उनमें वाइट और येलो कलर के फोमी टाइप के जो कभी कभी वोमिटिंग्स होते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं और उनका ट्रीटमेंट क्या है। तो आप जैसे देख सकते हैं, ऐसे इस टाइप के अगर वाइट फोमी टाइप के कभी कभी आ जाते हैं वोमिट्स, तो वोमिटिंग नॉर्मली किस टाइप के होते हैं? नॉर्मली अगर फोर्सफुल इजेक्टुलेशन होता है पेट से, इजेक्शन होता है, या फिर कभी कभी येलो आ जाता है, या फिर स्मेल भी हैवी रहता है। और रिगर्शन और वोमिटिंग में फ़र्क जानिए। रिगर्शन क्या होता है? माइल्ड इजेक्शन रहता है और इतना पेट में उसका फोर्सफुल नहीं आता है। तो टाइप्स ऑफ वोमिट, एक तो ग्रैनुलर हो गया, चंकी हो गया और लिक्विड हो गया। ग्रैनुलर और चंकी नॉर्मली फूड रिलेटेड होते हैं, वेर एज लिक्विड जो रहता है वो नॉर्मली फूड रिलेटेड नहीं होते हैं, वो फोमी काइंड के होते हैं, येलो कलर के होते हैं या फिर क्लीन, मतलब जो प्लेन टाइप के होते हैं। कभी कभी ये कैनल कफ के सिम्टम्स भी होते हैं। और जो चंकी और जो ग्रैनुलर बोला, वो नॉर्मली फूड रिलेटेड इशूज से होते रहते हैं। और क्यों आपका डॉग वोमिट करता है? नॉर्मली जो कॉजेस रहते हैं, तो मोस्ट कॉमन कॉजेस फॉर वोमिटिंग इज, देखिए जैसे कि घास खा लिया, कोई गार्बेज खा लिया, जल्दी खा लेता है कि खाने के तुरंत बाद एक्सरसाइज कर लिया, ऐसे रीजंस होते हैं। और वोमिटिंग कैन आल्सो बी साइन ऑफ सीरियस हेल्थ इश्यूज, ये भी ध्यान में रखिए, जैसे कि किडनी प्रॉब्लम, ईयर प्रॉब्लम, ब्रेन ट्यूमर, मेनिंजाइटिस, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं। तो रीजंस फॉर येलो वोमिटिंग इन योर डॉग, तो चलिए जो मेन जो चीज़ है, क्यों येलो कलर का वोमिटिंग क्यों आते हैं आपके पेट्स में। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि बाइल बोल के एक जूस होता है, जो कि नॉर्मली हमारे डाइजेशन, हमारे बॉडी में भी होता है, वैसे उनके भी बॉडी में वो है, जो कि येलो कलर का रहता है। तो क्या होता है जब ये बाइल जूस क्या होता है कि स्टोमक में आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जब ये बाइल जूस स्टोमक में आ जाता है, तब ये येलो कलर का वोमिटिंग होता है। क्यों होता है? नॉर्मली अगर बहुत टाइम के लिए आपका पेट भूखा रह गया होगा, या फिर कोई बहुत सारे फैटी चीज़ खा लिया होगा, घास खा लिया होगा, कि बहुत सारा वाटर भी पी लिया होगा, तो ये हैं कॉजेस येलो कलर वोमिटिंग के। फिर दूसरे देखते हैं, जैसे कि गेस्ट्रो इंटेस्टिनल डिजीज़ हो गया, जैसे कि कोई पैरासाइट इन्फेक्शन हो गया, अल्सर हो गया, या फिर सेंटेड कैंसर्स भी होते हैं, तो नॉर्मली ये भी एक रीजन्स होते हैं। फिर पैंक्रियाटाइटिस, मतलब जब पैंक्रियास में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो तब भी जब वो फैटी चीज़ खाता है ना, तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। तो फिर आता है देखिए इंटेस्टिनल ब्लॉकेज, अगर कोई इंटेस्टाइन में उनके, जैसे कि कोई स्टॉय हो गया, बोन हो गया, जब वो वहाँ पे भी रह जाता है ना, तो उस टाइप के येलो कलर के वोमिटिंग्स होते रहते हैं। फिर एलर्जीज, जैसे कि कभी किसी पेट को एग से, चिकन से, या फिर कौन से एलर्जीज रहते हैं, तो उस टाइम पे भी येलो कलर के वोमिटिंग्स आ जाते हैं। अब चलिए देखते हैं वाइट कलर के जो फोमी टाइप के वोमिटिंग्स आते हैं नॉर्मली आपके डॉग में, वो क्यों होते हैं? क्योंकि ये आमतौर पर पेट्स के पास दिखाई देता है। तो जैसे कि हो गया, जैसे कि इंडाइशन में घास खा लिया, या फिर जब सीवियर कंडीशन, जैसे कैनल कफ हो गया, आईबीडी हो गया, पैंक्रियाटाइटिस हो गया, किडनी डिजीजेस, रेबीज, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, ब्लॉटिंग, पार्वो, तो अगर ऐसे सिम्टम्स आते हैं ना, तो आप इमीडिएटली अपने पेट के पास अपने डॉग को लेके जाइएगा। फिर रेमेडीज क्या है येलो वोमिटिंग को बंद करने के लिए? तो नॉर्मली ये जो है होम रेमेडीज है, मैं बोल रहा हूँ। तो पहले क्या कर सकते हैं आप, अपने डॉग को सारे, मतलब जो कि एसेंशियल विटामिन्स मिनरल्स देते रहिए, और उसका डाइट को, मतलब जो डाइटिंग हैबिट है, तो उसको सुधारिए, ठीक टाइम पर उसको खाना दीजिएगा, ज़्यादा देर तक उसको भूखा बिल्कुल मत रखिएगा, और इजीली डाइजेस्टिव खाने ही उसको दीजिएगा। और कभी बोन या फिर टॉय, ये सब चीज़ें, जैसे कि आप ध्यान में रखें कि आपका पेट बिल्कुल ना खाए, क्योंकि नॉर्मली ब्लॉकेज होने से भी ये सब चीज़ें हो जाते हैं। सो होप आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।